महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक सोमवार को महापौर कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में किए गए कार्यों की जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी गठित कर की गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। पथ प्रकाश विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अवगत कराया गया। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार, लेखाधिकारी अमरेंद्र बहादुर पाल, सहायक लेखाधिकारी राजू कुशवाहा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार, सफाई निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर जावेद अनवर सिद्दीकी, महापौर के पीएम मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं, हम रोज निकलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन नहीं निकले। इनको बहुत बिगड़ा हुआ है, तो सुधार को मास्टर रोल का क्या किया, कर्मचारी आते थे मास्टर रोल हमारे परमानेंट जो रोज का आता है, रोज अटेंडेंस दे देते हैं सर, रोज अटेंडेंस रूम से बता देते हैं, मतलब हम लोग एक अलग से प्रोग्रामा डेवलप किए हैं उसमें भर के दे भी रहे हैं सर, एक बार आ सर। अब मेन मास्टर रोल हमारा 30 के आसपास आ जाता है महीने के लास्ट में। अटेंडेंस तो हमारे यहाँ रोज आती है, कौन प्रेजेंट रहा कौन टीम देते हैं उसके आधार पर। एक कै बजे मास्टर रोल पहुँचता है आपका? चार अटेंडेंस, हाँ 2 से 4 के बीच अटेंडेंस, 2 शाम के सर, 2 घंटों का मास्टर रोल आप रोज चेक कर लीजिए, किसी 2 घंटे का ये है सर ना अभी के वार्ड में, तो ये आपके वार्ड के आगे वार्ड नंबर 26 था, हाँ तो उसमें उसका अटेंडेंस भरा हुआ था, उसको मैंने पूरे वार्ड में खोजा वो मिला। अच्छा, तो इस तरह, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, जैसे एक आदमी का भर दिया, वार्ड बड़ा है तो आपको सुपरवाइजर लेके इधर गली में टहलेगा, साहब अभी यहीं थे फिर वहाँ था, वहाँ था, आप टहलिए तभी आप पा पाएंगे। गलत बता रहे सर, सफाई समस्या का सबसे बड़ा निदान ये होगा कि बीट स्ट्रिक्टली फॉलो, हाँ उस बीट में नहीं मिला तो नहीं, अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो फिर कभी। कितना परसेंट हमने तो उसी का चेक किया ना, 2-4 का रैंडम चेक किया, सबका चेक कर पाना संभव नहीं है सर, सबका नहीं। जैसे कि आप जिस वार्ड में गए 25 कर्मचारी दिए जाते हैं कि 30 दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं हम अभी बता देंगे, कितने सफाई कर्मचारी है, तो साहब के वार्ड में कितने अधिकारी हैं जहाँ आज गए थे आप बताइए जरा, तो 40 कर्मचारी दिए हैं अपने, कितने पड़ जाते हैं और नहीं आ रहे हैं तो कारण क्या है, आज नगर निगम में नायक आयुक्त और अन्य सफाई अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी के साथ इस विषय पर चर्चा हुई है कि शहर को हम किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाए रख सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें सफाई से जुड़े सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। हमने सुझाव दिया है कि हर वार्डों में एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाए जिसकी जिम्मेवारी उस वार्ड की सफाई व्यवस्था के लिए हो, और वो ही व्यक्ति जिसको हम सुपरवाइजर नियुक्त कर रहे हैं उस वार्ड की सफाई व्यवस्था का रोड मैप तैयार करें, कहीं भी गंदगी रहने पर उस वार्ड में उसकी ही जिम्मेवारी होनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी हमारे निरीक्षण करने के लिए अधिकारी जाएं तो उसे पूछ सकें कि इस वार्ड में किस तरह की सफाई है, कहीं गंदगी तो नहीं है, अगर कहीं भी कूड़ा या गंदगी दिखेगी तो सुपरवाइज़र उसके लिए जिम्मेवार होगा। जितने वार्ड में कर्मचारी लगाए गए हैं उसके द्वारा वो सफाई व्यवस्था उस वार्ड के मुकल्लम सुनिश्चित कराएगा, अगर विशेष आवश्यकता है जितने सफाई कर्मचारी लगे हैं उसके अलावे उसे अतिरिक्त ज़रूरत है तो अपने
सफाई अधिकारी को फोन करेगा और वो सफाई अधिकारी मुकुश रस्तोगे जी और अखिलेश श्रीवास्तव को जिम्मेवारी है, इनको फोन करेगा कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी चाहिए और एक काम हमको कराना है जो रेगुलर सफाई कर्मी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जितने भी शिव मंदिर हैं शहर के अंदर, लगभग 50 शिव मंदिरों को चिन्हित किया है नगर निगम में, उसमें लाइट और सफाई की विशेष व्यवस्था कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ पथ प्रकाश बिंदु जो हमारे 8000 पॉइंट थे जहां पर लाइटें नहीं लगी थी, वहां भी कंपनियों को आदेश मिल चुका है वहां पर लाइटें लगाई जाए और शीघ्र से शीघ्र लगाई जाए। जय अशोक सिंह ने बताया है कि 2-3 वार्डों में अभी काम पूरा हुआ है, आगे अन्य वार्डों में काम शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। उनसे निर्देशित किया गया है कि जितने भी प्रकाश बिंदु चिन्हित किए गए हैं एक महीने के अंदर उस पर लाइटिंग की पूरी तरह से व्यवस्था करें।